मुख्यमंत्री गहलोत ने किया महंगाई राहत कैंप का अवलोकन। इस अवसर पर प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान का भी अवलोकन किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। शहर में भी कई स्थानों पर इन कैंपों में लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। जनता को दी जा रही राहत को धरातल पर क्रियान्वयन के लिए आज स्वयं मुख्यमंत्री गहलोत शाम को उदयपुर से प्रस्थान कर हेलीकॉप्टर द्वारा भीलवाड़ा पहुंचे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर, सहाड़ा रायपुर विधायक गायत्री देवी, पूर्व सभापति ओम नारायणी वाल, उनके साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। प्रशासन को बीती शाम अचानक मिली सूचना से आनंद फानंद की व्यवस्था की गई। लेबू कॉलोनी में इस संदर्भ में आम सभा भी हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों से बातचीत भी की। भाषण के दौरान गहलोत ने कहा कि इस बार आप सभी का आशीर्वाद रहा तो जिले में सभी सीटें कांग्रेस की आएगी और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। कार्यक्रम के बाद गहलोत यहाँ के कैंपों का अवलोकन करने मिस्तिया कोटड़ी निकले। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। ये भीलवाड़ा गांव में खड़ा हूँ। भीलवाड़ा मॉडल बन गया। पहले आप यही के मत शुरू हुई थी, वो मॉडल आपका यहाँ का जो यहाँ कलेक्टर थे उस वक्त के, वो हमने सब गाइड किया। मॉडल की जो तारीफ हुई भीलवाड़ा पूरे देश में नहीं दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तक में तारीफ भीलवाड़ा मॉडल की हुई थी उस वक्त में कोरोना के अंदर। वो भीलवाड़ा ये है। फिर मेरा मानना है कि भीलवाड़ा की अभी जो परंपरा को आप कायम जो रखी थी पहले जब सूर्य माथुर थे, देवेंद्र सिंह जी थे, कोई कमी नहीं रखी थी आपने। जो आपने मांगा हमने दिया। आप मुख्यमंत्री बन गए दो तीन बार, फिर आपको क्या चाहिए? आने वाले वक्त में आप अगर इस बार बदलाव करेंगे, मैं समझता हूँ कि भीलवाड़ा में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। अपनी मेरे वास्ते भाई जवाब न करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा और क्योंकि लोकतंत्र है इसलिए मेरी ड्यूटी भी है, मैं उनको समझाऊँ, संदेश करूँ कि भले आदमियों जो आपके अनुभव है, सरकार बजट पेश करती है, घोषणा हो जाती है, लागू पूरी तरह हो नहीं पाती है। जितने विज्ञापन दे दो, प्रचार प्रसार करो, अंतिम व्यक्ति से बात पहुंचती नहीं। कोई अनपढ़ भी होता है,